हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं ऑक्टेन नंबर के बारे में। देखिए, ऑक्टेन नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पेट्रोल पंप पे हमें ऑक्टेन नंबर अलग अलग का पेट्रोल मिलता है, तो उसके बारे में कुछ इस तरह से आप फोटो से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमेशा आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि स्पीड वाला वहाँ लिखा होगा जी, यहाँ तो स्पीड वाला पेट्रोल मिलता है, यहाँ पावर वाला है, एक्स्ट्रा पावर प्रीमियम वाला है। तो मुझे भी लगता था कि यार पेट्रोल तो पेट्रोल है, पेट्रोल में ऐसा क्या डाल देते हो जो अलग से इसके पैसे ले रहे हो। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है? वो है ऑक्टेन नंबर। वो ऑक्टेन नंबर है। देखिए, ये सारा कुछ कैसे शुरू हुआ? ये शुरू इस तरह से हुआ कि पहले, सबसे पहले तो डिमांड लगी, डिमांड फॉर मोर पावरफुल इंजन, कि इंजन बड़े होने चाहिए, इंजन पावरफुल होने चाहिए। तो उन्होंने बड़े बनाने शुरू किए और ज़्यादा सिलेंडर लगाने, इवन 16 सिलेंडर इंजन भी बना दिया, इतने बड़े बड़े इंजन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन उसमें क्या है, मेकिंग मोर बिग इंजन इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और ज़्यादा कितने बड़े कर दो यार, और ज़्यादा बड़े कर दो, और ज़्यादा बड़े कर दो। तो बड़ा साइज करना, तो पावर बढ़ाना है, तो बढ़ाओ साइज को। कितना बढ़ा सकते हैं, बाइक में कितना जगह है, तो ये करना मुश्किल है। अब प्रैक्टिकल मेथड क्या है? इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो। तो वो कहते हैं कि कंप्रेशन रेशियो के बारे में मैंने आपको समझाया ना, तो हमें कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाना ये मकसद हो सकता है। लेकिन द मोर द मिक्सचर इज कंप्रेस्ड बिफोर इग्निशन, द मोर पावर द इंजन कैन डिलीवर। ठीक है, तो हमें क्या है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से पता है कि पावर बढ़ती है, लेकिन प्रॉब्लम विद कंप्रेशन रेशियो, अब प्रॉब्लम क्या है, इट विल लीड टू नॉकिंग एंड डेटोनेशन। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो पंगे लोगे, पंगे ऐसे कि डेटोनेशन होनी शुरू हो जाएगी, नॉकिंग होनी शुरू, इंजन खराब होना शुरू हो जाएगा, कि हाई कंप्रेशन रेशियो है वो इस चीज़ को लीड कर देता है। तो इसका फिर सोल्यूशन है कि इम्प्रूव करो फ्यूल को इम्प्रूव करो। अब 20th सेंचुरी में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर वर सर्चिंग फॉर अ केमिकल दैट वुड रिड्यूस इंजन नॉकिंग। वो ढूंढने लगे कि यार इंजन नॉक कर रहा है, इसका कोई सोल्यूशन ढूंढे, कि केमिकल ऐसा ढूंढे। तो 1921 में जनरल मोटर्स ने ये डिस्कवर किया, किसको? टेट्रा इथाइल लेड। तो ये नाम है जिसको हम नॉर्मल भाषा में लेड बोलेंगे। तो लेड का आविष्कार इस तरह से किया केमिकल का, इसके लिए प्रिवेंटिंग इंजन नॉक, तो इंजन नॉकिंग को वो रोकने लग गया। अभी लेकिन लेड की प्रॉब्लम क्या है कि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। उस टाइम में काफ़ी लोगों को दिक्कत होने लग गई, इवन जो बच्चे थे उनमें प्रॉब्लम्स आने लगी, उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम्स आने लगी। तो 1970 में ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो इन्होंने बंद कर दिया। तो कहते नहीं जी, ये इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट को बचाना है तो इसको बंद करो। तो इसके बाद बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स आए, तो कुछ ऐसे थे वही बात की, जो हेल्थ इशू आ रहे थे। लेकिन फाइनली फिर एक आया, आइसो ऑक्टेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन का मिक्सचर। इसका मिक्सचर आने लग गया, जिसको हमने रेटिंग नाम देना था, तो उसको नाम दिया गया ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर किस तरह से नाम दिया गया, क्योंकि हमारे पास दो केमिकल्स हैं, इस तरह दो हैं। ये जो आइसो ऑक्टेन है, आइसो ऑक्टेन हाई जो इसमें क्वालिटी है, वो टेंडेंसी है कि नॉकिंग को रोक सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो इसको 100 इसकी वैल्यू नंबर दे दिया आइसो ऑक्टेन को। अगर हम सारे के सारे आइसो ऑक्टेन ही डाल दें तो उसका नंबर बन जाएगा 100, और नॉर्मल हेप्टेन है 0, कि ये है 0 की ये टेंडेंसी नहीं है इसमें रोकने की। तो सारा आइसोक्टेन डालेंगे हम तो यही चाहेंगे कि सारा का सारा आइसोक्टेन डालें कि नॉकिंग टेंडेंसी को ये रोकता है, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? पंगा सारा वही आ जाता है फिर से, पैसा। अब प्रॉब्लम पैसे की है, ये पैसा लगता है इसमें, ये ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। ये आइसोक्टेन 100% डालोगे तो उससे आपसे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हमें क्या है, हम तो जाते हैं पेट्रोल पंप, पहले तो जान निकल जाती देख के ही, यार इतना रेट है, ऊपर से ये नॉर्मल वाले का 100 रुपये चल रहा है आजकल, और साथ वाले का 103 लिखा, पागल हो गया भाई, 100 पहले लिखा, 103 देंगे दूंगा, छोड़ यार 100 वाला जल वाले। तो वो दिक्कत आती है, तो इसलिए इस आइसोक्टेन को 100% हम नहीं डालते हैं इसमें,
क्योंकि रेट की वजह से। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, तो इसकी थोड़ी सी साथ साथ डेफिनेशन देखो। अ फिगर इंडिकेटिंग द एंटी नॉक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल बेस्ड ऑन द कंपैरिजन विद द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड हेप्टेन। तो हमने ये फिगर इंडिकेट करेगी, जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर है, क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें एंटी नॉक प्रॉपर्टी कितनी है फ्यूल में। वो किस तरह से, मान लो कि हमारे पास ये मैंने बताया ना आइसो ऑक्टेन का 100 है और नॉर्मल हेप्टेन 0 है, तो यहाँ से है। अब मान लेते हैं कि मान लो आपने किसी पेट्रोल के अंदर हमने 80% जो है आइसो ऑक्टेन उस मिक्सचर का 80% आइसो ऑक्टेन डाल दिया और 20% एन हेप्टेन डाल दिया, तो उसका ऑक्टेन नंबर जो बनेगा 80 बन जाएगा। कि हम, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम आम बंदे को कैसे समझाएं, यहाँ इंजीनियर्स को नहीं पता लगता कि असला ऑक्टेन नंबर क्या है, तो आम बंदे को क्यों समझाएं, कैसे समझाएं कि जी सर आइए सर पेट्रोल डलवाना कौन से ऑक्टेन नंबर का डालना है, तो वो बंदा कहे यार तू चुप कर जा क्या ऑक्टेन नंबर, तो उन्होंने फिर नाम रख दिए कि इतने ऑक्टेन नंबर वाला 80 नंबर वाला है। तो मैं एक बार वैसे ही नाम ले रहा हूँ तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, कि मान लो 80 या 90 है, ये बहुत जो हमारे पास प्रीमियम वाला है और 100 वाला एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला है, तो नाम इंग्लिश में थोड़े से रखे ताकि सबको समझ आ सके। अब वहाँ पे जाके ऑक्टेन नंबर लेके बताना शुरू कर दे भाई, वो पहले दिमाग खराब हो रहा, वो थप्पड़ सामने से मार देगा ऑक्टेन नंबर बड़े आए ऑक्टेन नंबर वाले। तो अगर कहता है ये ऑक्टेन नंबर था 80 था, अगर 30% आइसो ऑक्टेन हो 70% एन हेप्टेन हो, तो नंबर क्या बन जाएगा ऑक्टेन नंबर 30। तो इसको देखना है हमने, तो आइसो ऑक्टेन को देखना, दूसरे की जरूरत ही नहीं, ये तो है ही जीरो, इसको फायदा नहीं है। तो लेकिन फिर वो अमीरी की बात आ जाती है कि हम जैसे मुश्किल से पढ़ाइयाँ वढ़ाई करके इतनी गए गाड़ी में, यार पेट्रोल नॉर्मल वाला डाल दे, नॉर्मल वाले का अब आपको एक छोटा सा रिसर्च करना है, नॉर्मल जो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं उसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, हम नॉर्मल डलवा रहे हैं उसका ऑक्टेन नंबर कितना, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। देखते हैं आप, देखिए थोड़ा सा आप भी तो मेहनत करो, मैं अकेला यहाँ पे मेहनत करता रहूँ, आपको आपको देखना है कितनी मेहनत करते हैं। तो 30 आ गया नंबर। अब देखो मोस्ट ऑफ द रेगुलर व्हीकल्स आर डिजाइन टू रन ओवर 87 ऑक्टेन फ्यूल। तो ये आम जो व्हीकल हैं वो 87 पे रन करते हैं ऑक्टेन फ्यूल, बट परफॉर्मेंस व्हीकल्स सच एज दोज दैट यूज टर्बो चार्जिंग और सुपर चार्जिंग टू फोर्स मोर एयर इन टू द इंजन माइट रिक्वायर हायर ऑक्टेन फ्यूल। तो अगर हम सुपर चार्ज या टर्बो चार्ज गाड़ी लेके घूम रहे हैं और वहाँ जाके हम कहें कि फ्यूल सिंपल ही डाल दे यार, तो वो वैसे ही भी इतनी बड़ी गाड़ी, भैया इतनी बड़ी गाड़ी उठाइए 30 लाख की तेरे पास गाड़ी और तू पेट्रोल सिंपल वाला डलवा रहा है, तो उनको ज़रूरत है कि नहीं अच्छे वाला पेट्रोल डाला हो इसमें। तो हमारे यहाँ नहीं ऐसे शो करते हैं, लेकिन कई देशों में ऐसे शो करते हैं। देखो हमारे पास रेगुलर वाला जो है उसमें 87 ऑक्टेन नंबर, रेसिंग वाला 94 वाला, एक्स्ट्रा सुप्रीम है 96 वाला, एक्स्ट्रा सुप्रीम अल्ट्रा सुप्रीम है, ये एक्स्ट्रा सुप्रीम है 98 वाला, और ये टॉर्को तो बहुत ज़्यादा टॉर्क बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए 100, तो 100 ऑक्टेन, और ये इसकी रेट भी अलग अलग लिखे हुए हैं, यहाँ से शायद आपको ना दिखेगा तो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बताता हूँ। इसका लिखा हुआ $1.79, इसका $3.9, $4.49, ये है $4.9 और ये है $5.7। तो उसके अकॉर्डिंगली पर जो हमारे पास जो भी रेट चलता होगा उसके अकॉर्डिंगली देख लो इंक्रीज कर रहा है, तो जैसा जैसा है वैसे आगे बढ़ भी रहा है। वैसे भी अब डलवाने वाले पे कौन सा डलवाना है आपने, ओके समझ आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी लिखा होगा, आपने देखा होगा कि XP100 इंडियन ऑयल ने डाल लिखा हुआ है, साथ में लिखा 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, तो वहाँ छोटा सा लिखते हैं जानबूझ के ना, छोटा सा लिख देते हैं, और जिसको पता नहीं है ऑक्टेन नंबर वो तो वैसे ही यार ये 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल डाल दे, तो मज़ा आता है ना पर बोलने में, लेकिन मतलब नहीं पता होता हमें। तो ये तो आगे से कभी देखो तो उसके बारे में ज़रूर अपने आपने क्यूरियोसिटी लेके आओ। अगर आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तेल भरवा रहे हो, अलग अलग नाम लिखे हैं, लेकिन आपने क्यूरियोसिटी नहीं आ रही तो आपकी गलती है, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ये इसमें अलग अलग है क्या भैया, प्रॉब्लम है उसको नहीं पता, मैनेजर के पास जाओगे उसको नहीं पता होगा, तो हमें फिर पता करने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, लेकिन इंजीनियरिंग में भी हमारे गले का फंदा बन जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको पता लगी होगी, इंडिया में नॉर्मल फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कितना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, मुझे मेरे साथ डिस्कस करिए।
कोई चीज़ पूछनी है, किसी का लिंक चाहिए, या आपको लगता है कि मैंने ये वाली वीडियो मुझे पढ़ना है इसके बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरी ऑलमोस्ट 700 वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी। और एक रिक्वेस्ट, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।